एक निर्दोष को दोषी बना देते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस देश के भविष्य का उद्धार करने वाले कल के नेता हो तुम लोग। ये भूलकर तुम्हें जेल में बंद करके तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अफसर लोग वही असली चोर हैं, डकैती करने वाले डाकू हैं। देखो, तुम्हारे सुनहरे भविष्य को तुम्हें वापस दिलवाने के लिए हम जैसे देशभक्त ने कसम खाई है। हमें इस भ्रष्ट समाज से दूर जाने की जरूरत नहीं है, उनका अंत करना होगा। मैं कोई नेता या पॉलिटिशियन नहीं हूं जो भाषण देकर तुम्हें अंधकार में रखूंगा। मैं एक मैजिस हूं जो तुम्हें रोशनी देगा, जिससे तुम अपने भविष्य को देख सको। वो चप्पल देना। नहीं सर। कोई बात नहीं, दो। यह है इस देश का भविष्य। पैरों में घिसे चप्पल पहनकर, हाथ में डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर, नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रही है आज की युवा पीढ़ी। अनुभव की कोई कमी नहीं है, मां के दुख का अंत नहीं है। तुम्हारे आदर्श पूरे नहीं हुए, तुम्हारी आशाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसके जिम्मेदार कौन है? ये है। ये सब वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं इसका हिसाब रखते हैं, मगर उनमें से कितने गरीब हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, कोई सोचता है क्या? नहीं, ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद बातों से नहीं, बंदूक दिखा के ही कर सकते हैं। वहां देखो, ये सब लोग तुम्हारी तरह जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते थे, कई आशाएं थी इनकी, लेकिन आखिर में निराश होकर यहाँ आए। इनका लक्ष्य पूरा करने के लिए इनके साथ तुम भी हाथ मिलाओ और अपने हाथों में हथियार उठाकर हिम्मत से आगे बढ़ो। मेरा साथ देने का वादा करोगे तो तुम्हारी आंखों के सामने नए समाज का निर्माण करूंगा। उसके लिए मेरी जान भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं, खुशी से मर जाऊंगा। अशोक चक्र के साथ लहराने वाले तुम्हारे तिरंगे में तुम्हारे दुख दर्द मिटाने की शक्ति नहीं है। तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बनाने वाले शक्ति से भरपूर उस झंडे को देखो। अभी ओफो, सूरज सर पे चढ़ गया है, अभी तक नहीं उठा। ए अभी उठना। ओफो, ये भी ना तकिए पे पैर रखे कैसे सो रहा है? अभी 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 उठना, अभी। गुड मॉर्निंग मॉम, हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। बदमाश कहीं का, एक पल के लिए मेरे होश उड़ गए थे। ठहर अभी बताती हूँ। अरे रे, अरे ये क्यों? दीदी देखो ना, माँ मुझे मारने आ रही है। देखा गायत्री? क्या है माँ? सुबह सुबह इसने क्या किया जानती हो? क्यों रे छोटे, क्या किया तूने? छे छे कुछ नहीं किया दीदी, आज अप्रैल फर्स्ट है ना, इसलिए माँ को फूल बनाया। माँ शेम फील करके मुझे मारने आ गई, देखो ना। ये क्या माँ, अभी छोटे के हाथों फूल बन गई? तुम भी इसकी पार्टी में शामिल हो गई? यस। क्या बात है, सुबह सुबह माँ से झगड़ा क्यों कर रहे हो? अप्रैल फूल का इफेक्ट है। यस डैडी। माँ इसके हाथों। बस अब तू चुप हो जा, बड़े आए फूल बनाने वाले। मम्मी वन बोर्नविटा और मेरे लिए वन हॉर्लिक्स। या मेक इट फास्ट। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। ये घर है, होटल नहीं है, जाओ जाओ।
डैडी इन्हें कहाँ रखूं? वहाँ वहाँ रख दो, तुम जाओ कपड़े मेले हो जाएंगे। गायत्री जाओ बेटा। नहीं माँ अभी। क्या है दीदी? कॉफी पी लो। तुझे एक गुड न्यूज बताती हूँ। अच्छा? मुझे क्या देगा? मैं क्या दे सकता हूँ दीदी? ऐसा नहीं चलेगा, कुछ न कुछ दोगे तो ही ये बात बताऊंगी। ये क्या बेटी, उसे क्यों सताती हो? आखिर बात क्या है बोलो ना। प्लीज वेट डैडी, कम ऑन अभी, क्या दोगे मुझे? कम ऑन क्विक क्विक। तुम जो चाहो मांगो दीदी, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारी जान तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। देखो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इसलिए नेशनल अवार्ड दिया है। थैंक यू दीदी। आई एम सो हैप्पी। जानते हो एक कहावत है, एक पेड़ के फल का स्वाद एक जैसा ही होता है, लेकिन एक ही माँ के बच्चों में एक जैसे गुण नहीं होते। तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि झूठ। खाना खाओ तो हजम हो जाता है, जायदाद खर्च हो जाती है, मगर कहते हैं विद्या जिंदगी भर साथ देती है। तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया उसका आज फल मिल गया है। सुना तुमने, बेटे को अवार्ड मिला है। बेटी गुणवती है और हिम्मत वाली है, इन दोनों का पिता मैं बड़ा नसीब वाला। अच्छा, आप अकेले ही नसीब वाले हैं? नहीं नहीं, तुम भी नसीब वाली हो भाई। अगर पहले ही पता होता कि हमारे बच्चे इतने होनहार होंगे तो एक दो और ट्राई कर लेते। क्यों डैडी, दिस इज टू मच। अब हम चलते हैं डैड। कम ऑन। अरे बेटा ये तो बता के जाओ कि फंक्शन कब है। August 28th। अच्छा अच्छा। डियर चिल्ड्रन, आज का दिन हम सब के लिए गर्व का दिन है। देश का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन साथ साथ दुख भी हो रहा है। भोले भाले मासूम बच्चों के दिलों को कुछ उग्रवादी लोग बातों से लुभा कर, रुपयों की लालच देकर, उनके मन में उनके भविष्य के बारे में कई आशा पैदा करके अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों को मानव बम में बदल रहे हैं। पुस्तक के बदले उनके हाथों में हथियार थमा रहे हैं, अपनी ही मातृभूमि के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर कर रहे हैं। कितनी ही माताओं के दिल तोड़कर उन्हें दुखी कर रहे हैं। मैं ये सब बातें तुम लोगों से क्यों कह रहा हूँ जानते हो? ताकि तुम लोग होशियार रहो, तुम्हारे दोस्तों में और जो तुम्हारे इर्द गिर्द है उनमें चेतना ला, उनके अंदर जो देशभक्ति है उसे जगाना होगा। ये आतंकवाद केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। भोली भाली जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले उन उग्रवादियों का नामो निशान मिटाना होगा। तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। जय हिंद। अब प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस वेलफेयर यूनियन के प्रेसिडेंट श्री अरविंद चट्टोपाध्याय। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं विद्या निकेतन स्कूल से 10th क्लास स्टूडेंट ए प्रवीण। वाल्विन हाई स्कूल से रेखा एस शर्मा। सेंट जॉन स्कूल से अभिषेक वर्मा। Something is wrong. Move. Come on, be alert. Jaldi. Huh?
कहाँ से आए हो? नहीं बताऊंगा। बताओ बताओ। छोटे अभी अभी अगर कोई पास आया तो मैं इसे खा के मर जाऊंगा। सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ सर? प्लीज एक्सक्यूज मी सर, हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस इंसिडेंट? सर, ये पुलिस की लापरवाही है, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये ब्लास्टिंग किसने की आपको पता चला? सर, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब दिए बिना जा रहे हैं। हमारी सरकार हाथ बांध के नहीं बैठी है, जो भी एक्शन लेना है ले रही है। समय आने पर मीडिया को मैं खुद बता दूंगा, तब तक प्लीज। फंक्शन के लिए डेकोरेशन करने वाले तुम ही लोग हो ना? मैं कहता हूं ब्लास्टिंग भी तुम्ही लोगों ने करवाई। अब बताओ उग्रवादी और तुम्हारे बीच क्या संबंध है? कितनी बार कह चुके हैं, एक बार बोलने से समझ में नहीं आता या फिर सुनाई नहीं देता। यू स्काउंड्रल्स, जवानी के जोश में होश खो रहे हो, गरम खून खौल रहा होगा, उसे इस लाठी से ठंडा कर दूंगा तो अपने आप सुधर जाओगे। क्या कर लोगे, हमें मार दोगे? इससे ज्यादा तुम पुलिस वाले कर भी क्या सकते हो? इससे भी ज्यादा बहुत कुछ करूंगा बे। सच का जन्म होता भी यहीं पर और झूठ में बदलता भी यहीं पर। पुलिस स्टेशन तेरे बाप का है, जो इतना अकड़ रहा है, अगर हम पे हाथ उठाया तो याद रख तुझे यहीं पे दफना देंगे। अबे तेरी तो। Stop it. What is this nonsense? किस जुर्म पर इन्हें अरेस्ट करके इंक्वायरी कर रहे हैं? फंक्शन में जो उग्रवादी मारे गए थे उनके और इनके बीच कोई लिंक है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। Shut up. पुलिस की ड्यूटी जो हाथ लगे उसे ले जाके इंक्वायरी करना नहीं होती। इन यंगस्टर्स के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इनके और टेरेस के बीच कोई संबंध नहीं है। मैडम मैं। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, डू इट। जाओ। ओके मैडम। और एक कॉपी मुझे भी दे देना। ओके मैडम। मैडम कौन है आप? आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। क्या बात है? मैडम ये पेपर देखिए, इसमें जो तस्वीर है ये मेरे बेटे की है। मैडम मेरे बेटे की है। ये टेररिस्ट? आपका बेटा? मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है, वो जब रिमांड होम में था तब मैं उसे मिलने जाती थी। पिछले 3 महीने से जब भी जाती देखने तो मिलने नहीं देते, वापस भेज देते। तब मैं यहाँ के इनको सब कुछ बता दिया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा मर गया ये बात अखबार में देख के ही पता चला। Yes, madam. एंटायर एरिया को कवर करो, उग्रवादियों को हो सके तो जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। कम ऑन मूव। कृपया गौर से सुनिए, खबर मिली है कि उग्रवादियों ने यहाँ पर अड्डा जमाया है। उन्हें पकड़ते समय दंगे फसाद होने का मौका है, इसलिए सब लोग अपने अपने घर से बाहर निकलिए। वो लोग बहुत ही खतरनाक है।
रिक्वेस्ट करती हूँ सब बाहर निकलो, कम ऑन। Come on! Come on! Oh!
तुम लोग जिसके लिए काम कर रहे हो उसका नाम नहीं बताया तो तुम सबको मारकर यहीं दफना दूंगी। अगर तुम हमें बख्श भी दोगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मौत का भी तुम्हें खौफ नहीं है तो क्या हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हो? आजादी हासिल करने। क्या कहा तुमने? आजादी तो 7 साल पहले ही मिल गई थी। लेकिन आज तक हमें नहीं मिली। तुम्हारी नजर में आजादी का मतलब क्या है? एक नए समाज का निर्माण करना, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, एक नई दुनिया का निर्माण करना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए भोले भाले बच्चों की बलि दोगे? यस, चाहे दुनिया भर के बच्चे क्यों न मर जाए हमें परवाह नहीं है, हमें अपना मकसद पूरा करना है। पूरी दुनिया को एक ही छतरी की छाव में यानी हमारे साय में रहना पड़ेगा और हम ये करके दिखाएंगे। हम जिस नव समाज का निर्माण करने वाले हैं उसकी बुनियाद मौत ही क्यों ना हो, खून की नदियां बहा के शांति का माहौल लाएंगे। देखिए, आप भी हमारे साथ चलिए, आप जैसे लोगों को साथ चाहिए हमें। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम अपने मकसद में जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। देश के भविष्य के नाम पर बच्चों को ले जाके उग्रवादी नाम का मोहर उनके माथे पर लगाकर उनकी बलि दे रहे हो और अब मुझे भी साथ देने को कह रहे हो? ए! तुम्हें मौरा बना के चाल चलने वाला कौन है? तुम दुनिया को चलाने वाली शक्ति का पता लगा सकती हो लेकिन हमारे पीछे जो शक्ति है उसका पता लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है और कभी कोशिश भी मत करना। अच्छा, तुम्हारे पीछे जो शक्ति है उसका मैं पता लगाऊंगी और तुम्हारी सोच को भी बदल दूंगी। ऐसा हमारे जीते जी नहीं कर सकती। लेकिन मैं हारना नहीं जानती। हम चाहे तो मर सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते, क्योंकि पुलिस का पीछा मौत करती है, उस मौत का पीछा करते हैं हम। No! Hey! No! Come on! Come on! Speak up! Speak! Shit! Ma? यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? छोटू अभी तक नहीं आया, बहुत देर हो गई है, न जाने कहाँ गया होगा। अपने फ्रेंड के घर गया होगा, आ जाएगा माँ। तुम पुलिस ऑफिसर हो ना, इसलिए डर नहीं लगता, मेरी परेशानी तुम नहीं समझोगी। माँ, इस तरह परेशान होने से वो आ जाएगा क्या? मैं पता लगाती हूँ। मैंने पता कर लिया है, उसके फ्रेंड्स के घर पे, हमारे रिलेटिव्स के घर पे, वो कहीं नहीं गया। सुबह कॉलेज में भी फर्स्ट पीरियड ही अटेंड किया था, उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने भी कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है बेटी, पुलिस में कंप्लेंट करना बेहतर होगा। ठीक है। डरने की क्या बात है, बेटी है ना, वो देख लेगी। हेलो मिस्टर दास, मैं गायत्री बोल रही हूँ। रावण की मौत का कारण उसका भाई विभीषण बना था, क्यों? जगत कल्याण के लिए, यानी एक देशद्रोही को माँ बाप भाई बहन चाहे वो जो भी हो उसे मारने में कोई गलती नहीं है, समझ गए? एक बार उधर देखो। जिंदगी ही हर पल जब युद्ध भूमि बन जाती है तो जिंदगी भर लड़ना ही पड़ता है और उस लड़ाई में अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा हमें। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, समझ गए? अवार्ड के लिए कितने ही मासूमों की बलि चढ़ाई थी तुम्हारी दीदी ने, ऐ मेरी आंखों में देखो, इसी तरह देखते रहो।
कितने लोग मारे गए जानते हो? तुम्हारी दीदी की वजह से। तुम्हारी दीदी पुलिस ऑफिसर नहीं है, देशद्रोही है। देशद्रोहियों को मारने से ही हमारे देश का भला होगा, आजादी मिलेगी। हाँ, अपनी दीदी को मारोगे ना? हाँ, वो देखो, देखो तुम्हारी दीदी, वो देशद्रोही है, शूटर, आई से शूटर, शूटर, शूट करो, कम ऑन, शूट करो, शूटर। लक्ष्मी, ये क्या? उठो, उठ के दूध पी लो। इस तरह रो क्यों रही हो? अपने सेहत का ख्याल रखो। लो, ये दूध पी लो। अभिषेक के बारे में कुछ पता चला? गायत्री पता लगा रही है ना? बेटा आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, पी लो। मुझे रोने से मना किया और अब आप रो रहे हैं। तुम दूध पी लो, मैं देखता हूं। अभी डैडी, बेटा तो आ गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखो हमारा बेटा आ गया। क्या अभी आ गया? जल्दी आओ ना। अभी, अभी, अभी। अभी तू कहाँ चला गया था बेटा? इतने दिन तक हम सबको छोड़ के कहाँ चला गया था? मैं गायत्री को फोन करके बताता हूँ। वन मिनट। हेलो गायत्री, अभिषेक आ गया। हाँ, तुम जल्दी आओ बेटी। मैं अभी आती हूँ डैडी, मेरा भाई वापस आ गया है। सॉरी। अभी इतने दिन तो कहाँ चला गया था? जानता है तेरे लिए हम कितने परेशान थे। ऐसा क्या देख रहा है? ओ, इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी ये लोग मुझे बच्चा समझ रहे हैं, यही ना? अभी ही नहीं, तेरी शादी होके तू बाप भी बन जाएगा ना, तब भी तू मेरे लिए बच्चा ही रहेगा, बुद्धू कहीं का। मेरे से ये लो पानी पी लो। मैं खिलाती हूँ, आ करो। इतने दिन हमें छोड़कर कहाँ गया था? क्या हुआ? मम्मी डैडी ने कुछ कहा क्या? देख, यहाँ कोई नहीं है, मुझे बता क्या बात है। मैं तेरी फ्रेंड हूं ना, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूंगी। बता ना छोटू, प्लीज। मुझे बहुत नींद आ रही है। ओ अच्छा, तो सो जा, कल सुबह बात करते हैं। Good night.
गुड नाइट। हेलो मेजर, जैसे आपने कहा वैसा सब मैंने कर दिया है। प्ले करते ही ब्लास्ट हो जाएगा। थैंक्स मेजर। पोस्ट गायत्री। हाँ? पोस्ट आया है, जरा जाके देखो बेटी। जी। अभिषेक कहाँ है? मैडम रजिस्टर पोस्ट है। किसकी चिट्ठी है? रजिस्टर पोस्ट आया है डैडी। ठीक है, पहले नाश्ता कर लो। 5 मिनट। जल्दी आना। अभी आई। हेलो। हाँ सर। यस सर। आई नो सर। विद इन 10 मिनट्स आई विल बी देयर। अभी? क्या बात है, वहाँ क्या कर रहा है? आना। तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज कॉलेज नहीं जा रहे? नहीं। ठीक है मत जा, 2 दिन के बाद ही चले जाना। अभी प्लग कनेक्शन देकर टेप प्ले कर क्विक। प्ले करना। अभी हॉल में मैंने एक फाइल रखा था, जाके ले आ। होम मिनिस्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है, काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी, उसके बाद बाहर जाएंगे। इसे संभल के अलमारी में रख देना। ओके बाय।
गुड मॉर्निंग मैडम. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. प्लीज मैडम. यस. व्हाट हैपेंड मैडम? आई डोंट नो. जस्ट अ मिनट. ओके. विथ योर परमिशन. श्योर. आप जाइए मैडम, मैं देख लूंगा. ओके. 2001 अगस्त 24 को मैंने और यशवंत ने प्लान बनाया था, ऑपरेशन स्टार. उस दौरान कुछ ऐसे टेररिस्ट पकड़े गए थे जो देश में आतंक फैला रहे थे, लेकिन अदालत ने ठोस सबूत न होने की वजह से उन्हें बरी कर दी. उस ऑपरेशन के सारे डिटेल्स इन पेपर्स और फ्लॉपीज में हैं. गुड. जितनी जल्दी हो सके इस केस को खत्म करो. इस देश का भविष्य इस केस पर निर्भर है. लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोकना होगा. यस सर, आई डू माय लेवल बेस्ट. मे आई कम इन सर? यस. मैडम, ये कैसेट आपके पास कैसा आया, बता सकेंगी? आज सुबह बाई पोस्ट आया था. इसे आपको किसने भेजा, ये आप जानती हैं? नहीं. एनी प्रॉब्लम ऑफिसर? यस सर, इस कैसेट में बॉम्ब फिक्स किया है. What? इसे ऐसा प्रिपेयर किया है कि प्ले करते ही ब्लास्ट हो जाएगा. ये सब क्या है गायत्री? I can't believe this, sir. इस कैसेट में टेररिस्ट के बारे में कोई अहम खबर होगी, यही सोच रही थी. घर पर इसे सुनने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए यहाँ ले आई. बट नो नो, दिस इज टू बैड. तुम जैसे एक ब्रिलियंट ऑफिसर इतनी लापरवाह. वक्त ने साथ दिया इसलिए कुछ नहीं हुआ. अगर ब्लास्ट हो जाता? आई एम सॉरी सर, ऐसी लापरवाही आइंदा कभी नहीं होगी सर. अभी अभी क्या बात है बेटी? कुछ नहीं डैडी. अभी 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 क्या हुआ गायत्री? सुबह जो पोस्ट आया था ना डैडी, उसमें एक कैसेट था. उसमें किसी ने बॉम्ब फिक्स करके व्हाट मुझे मारने की साजिश की थी. माय गॉड, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, लकली बच गई डैडी. अभी आई एम सो सॉरी. मैंने कैसेट प्ले करने के लिए कहा था ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहती. आइए मैडम. आओ मैडम. आज तक फ्लैग होस्टिंग करने वाले सब बड़ी बड़ी हस्तियां ही थी, लेकिन अब लगता है इनके सामने हम सब कितने छोटे हैं. चलो. पकड़ो. Continue.
फास्ट। यस मैडम। आगे बात क्या है बोलो। उस दिन कैसेट में मुझे मारने के लिए बॉब इसी ने रखा था। किसने? हाँ, जिसकी वजह से न जाने कितने बच्चों की जान गई होगी। क्या हुआ तुझे? I will kill you. Tell me. रुक जा बेटी, पहले से पूछ तो लो। छोड़ दे। I will kill you. I will kill you. क्यों? तुम एक देशद्रोही हो। ऐसा किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। मैं देशद्रोही नहीं, तेरी दीदी हो रहे, एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे कितने अवार्ड्स मिले हैं क्या तू नहीं जानता? इतने अवार्ड्स पाने के लिए कितने मासूमों की जान ली होगी? भोले भाले लोगों की मैंने जान नहीं ली, अपराधियों की ली, देशद्रोहियों की ली। असली देशद्रोही तो तुम हो, पहले तुम्हारी जान लेनी होगी। इससे तुझे क्या फायदा होगा? हमारे साथियों को मन की शांति मिलेगी। कौन है तुम्हारे साथी? आजादी चाहने वाले। लेकिन हमें आजादी मिले 60 साल हो गए हैं। लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली। अभिषेक, मेरी बात मान लो, आजादी मैं दिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मरोगी तो समझ लो आजादी मिल गई। मैडम, मैडम, उस बच्चे को ऐसा क्यों मार रही हैं? अनजाने में गलती हो गई होगी, समझाने से समझ जाएगा। Will you please shut up? Don't interfere in this case. Get out. बता, तुझे कुछ नहीं करूंगी। तेरी ये हालत किसने की? I will kill you. मैं पुलिस नहीं हूँ, तेरी दीदी हूँ। मैं तेरी दीदी हूँ रे। तू मेरी दीदी नहीं हो। तुम एक देशद्रोही हो। I will kill you. I will kill you. I will kill you. मिस्टर दास, डॉक्टर शर्मा को फोन करो। यस मैडम। मैडम। हेलो डॉक्टर, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मेरा भाई कुछ भी पूछो एक ही बात बोल रहा है, मुझे लगता है उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है। प्लीज अब जल्दी आइए।
आइए डॉक्टर, मैं कुछ भी कहूं तुम देशद्रोही हो, आई विल किल यू कह रहा है। आई सी। अभिषेक, 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 अभिषेक। ओह गॉड, आई एम सॉरी। इट्स इम्पॉसिबल डॉक्टर। अभिषेक, 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 अभी मैं आपको फोन करने के लिए गई थी, इतनी जल्दी कैसे मर गया? डॉक्टर प्लीज एक बार चेक कीजिए ना, प्लीज अभिषेक डॉक्टर। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। डॉक्टर, अभी अभी मुझे देख, आंखें खोलना, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, चाहो तो तू मुझे मार दो। कम ऑन, कम ऑन, किल मी, किल मी। नहीं, तुम नहीं मर सकते। अभी आंखें खोल, बात करना, कहने में अच्छी नहीं, बुरा नहीं लगेगा, द्रोही भी कह ले, लेकिन बात कर अभी, 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 माँ कैसी रही मेरी एक्टिंग? बदमाश कहीं का, एक पल के लिए मेरे होश उड़ गए थे। माँ आओ, माँ माँ चलो, माँ माँ चलिए। आज हमारे लिए कोई दुख का दिन नहीं है, क्योंकि हमारा साथी मरा नहीं है, शहीद हुआ है, हमारी आजादी के लिए। हैदर सूजा जिंदाबाद। क्या कहा, मेरे भाई के मौत का कारण मैं हूं? सर, जो हुआ उस हादसे के लिए मुझे दोषी मत ठहराइए सर। सर, मैंने मैडम से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो एक छोटा बच्चा है, उसका दिमाग किसी ने खराब कर दिया है, मगर थर्ड रेड डिग्री का प्रयोग किया था। मैंने इन्हें बहुत समझाया, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, यह भी कहा था सबूत को संभाल के रखिए सर, ये क्योंकि जानते हैं सर, इनके बर्ताव में पुलिस की अकलमंदी या चेहरे पर सच्चाई जानने का टेंशन बिल्कुल नहीं था, बस खत्म करना चाहते थे। डिपार्टमेंट तो एक ही है, मगर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, ये तुम साबित कर रहे हो। तू अगर यहाँ रहेगा तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, बाहर रहा तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। सो तुझ जैसों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गायत्री स्टॉप इट। सर प्लीज, मैडम को रोकिए ना सर। जोश और होश दोनों सब लोगों में होता है, लेकिन जानती है पुलिस उसका सही समय पे इस्तेमाल करती है। आपने उस हद को पार किया है। फिजिकली यस यू आर कैपेबल, बट मेंटली यू आर नॉट, यू आर अनफिट टू बी ए पुलिस ऑफिसर। मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं निर्दोष हूँ ये साबित कर दूंगी। निर्दोष को बाहर भेजने या दोषी को अंदर रख के रक्षा करने के लिए जेल नहीं है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक आप या आपकी फैमिली कहीं बाहर नहीं जा सकती,
हमारे परमिशन के बिना, समझ गई? यू आर सस्पेंडेड। सर इनके खाल उधर ली, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। बोलो। पॉकेट मार पर पुलिस की लाठी वर्कआउट होती है, मगर उग्रवादियों पर कोई असर नहीं पड़ता। सुनो, खुद मान लो कि उग्रवादी हो, वरना तुम्हारे साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। नहीं, ये नामुमकिन है। सुनो, इस देवा के लिए सब कुछ मुमकिन है। उसे यहां ले आओ। सुनो, ये बहुत ही बड़ा मुजरिम है। अब तक इसने 24 बलात्कार किए हैं और 3 बार जेल से भी फरार हो चुका है। अब अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो ये अपना काम शुरू कर देगा। तुम लोग जानते हो, दुनिया भर में आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन पे ताला नहीं लगाया, आज मैं लगा रहा हूं। जाओ, तुम सबके लिए छुट्टी है, आउट। चलो चलो, जाओ जाओ, शुरू हो जाओ। छोड़ दे, मुझे मार। हम आतंकवादी, हम मानते हैं, हम टेररिस्ट हैं। सर, सबने कबूल कर लिया सर। करना ही पड़ेगा। देश में जो विध्वंस और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उन सब के पीछे फ्रेंड्स एसोसिएशन के सदस्य विनोद और उनके साथी का हाथ है। ये उन लोगों ने खुद कबूल किया है। उन्हें उग्रवादी करार देते हुए अगली कार्रवाई तक ये अदालत उन्हें पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। चलाओ।
हेलो इंस्पेक्टर देवा हियर। जिन लड़कों को हम पुलिस कस्टडी में रखने के लिए ले जा रहे थे उन्हें गायत्री किडनैप करके ले जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे बॉर्डर पार करने मत देना। अटैक दम। मैडम पुलिस गोली चला रही है। डोंट वरी वो लोग असली पुलिस नहीं है। फिनिश देम। देखो तो पटाखों की तरह गाड़ियों को कैसे उड़ा रही है।
अब तक हमने बातों से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है बातों से नहीं मानोगे तुम लोग। नाउ टेल मी, तुम्हारी छोकरी कहां छुपी है, उसके एसोसिएट्स कौन है और उनके फर्दर टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या है? कम ऑन टेल मी। तुम लोग मेरी बेटी के बारे में बात करने के लायक नहीं हो, क्योंकि अपने फर्ज को भगवान मानने वाली मेरी बेटी को टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया है तुमने। वो जो भी करती है उसके पीछे देश की भलाई करने का ही मकसद होता है। प्लीज डोंट डाउट माई डॉटर्स पेट्रियटिज्म, यू जस्ट वरी अबाउट योर जॉब। ए, कुर्सी डालो। हमारे डिपार्टमेंट ने आपकी बेटी को देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका दुरुपयोग करके उग्रवादियों से हाथ मिलाकर देशद्रोही बन गई है। इसका जवाब आप क्या देंगे? नो सर, जब वो बच्ची थी तभी से माँ के दूध के साथ मानवता को घोल कर पिलाया था। हम उसके खाने में देशभक्ति को मिला के खिलाते थे। आई सिखाने से पहले ही राष्ट्रीय गीत सिखाया था। स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा उसने उपनिषद की पढ़ाई की है। अगर उसकी जान भी जाएगी तो सिर्फ देश के लिए ही जाएगी, उसके अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मिस्टर वर्मा, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। मिस्टर यशवंत, हमने उन्हें इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया था, आपने उन्हें भेज दिया, इसका क्या मतलब है? एक किलो के माल को 100 बार भी तोलेंगे तो एक ही किलो होगा। पलड़ा बदलने से वजन नहीं बदलता। What do you mean? I mean the truth. Interrogation, किसका कहां कब कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। मुजरिमों के दिल में आज से मैं सोऊंगा। Bye. Hey! Come on, tell me. क्या प्लान बना के यहाँ पे आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा? Come on, tell me. No, नहीं बताऊंगा। अब तुझे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं, तेरी कहानी खत्म हो गई। You are finished. No, तुम और तुम्हारा देश finished. Hey, तुझ जैसे लोगों को हमने बहुत देखे हैं। तेरे देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना दिया? तुम अपने आप को ताकतवर मानने लगे। हमारे देश में जो एक एक जवान है वो एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब के समान है। फिर भी चुप बैठे हैं, इसका मतलब लाचारी नहीं है, सहनशीलता है। जिस दिन उसकी बांध टूटेगी उस दिन तुम्हें दफन करने के लिए 7 दिन काफी हैं। जस्ट 7 days. 8वें दिन जय भारत का एक कदम बढ़ा के वर्ल्ड मैप से तुम्हारे देश का नामो निशान मिटा के रख देंगे। कमीने कुत्ते, आतंक फैलाता है, छिपता है अंडरग्राउंड में, फिर भी इतनी अकड़। चीर डालूंगा। ए यशवंत, मेरे हाथ बांधकर मार रही है ना? हाथ खोल कर देख, मैं क्या हूं दिखा दूंगा। ए, रिलीज हिम। यशवंत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो गायत्री, छोड़ दो। यशवंत, नहीं। प्लीज यशवंत, छोड़ दो। नहीं यशवंत, देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐसे मत करो। यशवंत प्लीज, यशवंत यशवंत नहीं।
जोश, मैंने से क्या फायदा बोलो? इसे खत्म करने से समस्या का हल नहीं होगा। नो गायत्री, ऐसे आतंकवादी को बख्श देंगे तो हमारे देश का भविष्य सर्वनाश हो जाएगा। Stop it! Please! Stop it, Ashwant! Leave him! सर, उसे रिलीज करो। क्यों सर? जेल में रहकर भी जनता का उद्धार करने के लिए लड़ाई करने वाला नेल्सन मंडेला ही है। That's none of your business. आज से स्टेशन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है कल ही, विदिन 24 आवर्स। तुमने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो यू विल बी सस्पेंडेड। क्यों यशवंत, अब जान गया ना मेरी पोस्ट कहां तक है? No, Yashwant, no, please. No, no, please, stop it. ये तुमने क्या किया यशवंत? लॉक अप डेथ। आपके रिवॉल्वर से ये खून हुआ है, इसलिए इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। दिस इज माई ट्रांसफर ऑर्डर, आई विल एक्सेप्ट इट। आप भाषण देते हैं ना कि अपने फर्ज को भगवान मानो, लेकिन मैं समाज की सेवा करना ही अपना फर्ज मानता हूं। समाज को खोखला करने वाले कीड़ों का नाश करता हूं। देख लिया गायत्री, हमारे डिपार्टमेंट से हमें कितना सपोर्ट मिलता है। सब कुछ कानून पे छोड़ देंगे तो रिजल्ट विल बी जीरो। समाज की अगर हमें जरा भी परवाह है तो खुद डिसीजन लेना होगा। लाइक दिस, भविष्य में फिर कभी वक्त ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय। यशवंत, कम ऑन बॉयज, गुदगुदी हो रही है। गुड, वेरी गुड। इतनी रंग बिरंगी जिंदगी पुलिस वालों के नसीब में भी होती है, ये तुम्हें देख के ही पता चला। सर, पानी भी ठंडा है, मौसम भी सुहाना है, लेकिन देवा तुम्हें क्यों पसीना आ रहा है? ड्यूटी रिपोर्ट में तुम्हारा साइन तो था, लेकिन तुम सीट पे नहीं थे। वो यह है कि आज मेरा बर्थडे है सर। ओह रियली?
मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरे सिर्फ तीन सवाल हैं, तुम्हें सिर्फ तीन जवाब देने होंगे। नंबर वन, अभिषेक वर्मा की मौत हत्या थी या आत्महत्या? सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गायत्री मैडम की टॉर्चर की वजह से ही मर गया था। नंबर टू, तुमने जिन लड़कों को अरेस्ट किया था वो असली उग्रवादी थे? हाँ सर, उन्होंने अदालत में खुद कबूल किया था ना सर। नंबर थ्री, गायत्री वर्मा को चेस करते हुए जो गए थे वो असली पुलिस वाले थे? हाँ सर, वो असली पुलिस वाले ही थे सर। अगर वो असली पुलिस वाले हैं तो पुलिस रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिखा कि वो मर गए हैं? वो क्या है कि असल में हुआ यह था कि ये सब ड्रामाबाजी बंद करो, सच्चाई क्या है बताओ। सर माँ कसम यही सच है। एक पुलिस ऑफिसर सिंसियर हो तो उसका नाम पॉलिटिशियंस के ट्रांसफर लिस्ट में होगा, नहीं तो टेररिस्ट के हिट लिस्ट में जरूर होगा, या फिर डिपार्टमेंट के प्रमोशन लिस्ट में होगा। तुम्हारा नाम किस लिस्ट में है? किसी भी लिस्ट में नहीं है सर। मतलब ना तो तुम एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हो, ना ही तुमने जो बताया वो सच है। माय डियर देवा, तुम डिपार्टमेंट के आदमी हो इसलिए तुम्हें इज्जत देनी चाहिए, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मेरी रिवॉल्वर नहीं जानती। तुम्हारे बर्थडे को मैं डेथ डे हरगिज बनाना नहीं चाहता। हैव ए नाइस डे। मर गया, नहीं मरा। आगे तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे ये क्या कर रही है? उसे क्यों मारा? मारने से पहले सोच तो लेते कि एक बच्चा अनाथ हो जाएगा। मैं यहाँ अनाथ की संख्या बढ़ाने नहीं आया हूँ, उग्रवादियों का अंत करने आया हूँ, इसीलिए उस औरत को मार दिया। अगर मेरे आने में जरा भी देर हो जाती तो तुम सब लोग इस जंगल में लाश बन के पड़े रहते। तुम जैसे सोच रही हो वैसे ये औरत भोली भाली नहीं है, तुम सबको खत्म करने के लिए आई मानो बम है। इंसान होने के नाते तुम सबको बचा लिया, बट एज ए पुलिस ऑफिसर
दूसरा चारा नहीं है, इसलिए अरेस्ट करना होगा। बेटा सरेंडर। सर, सरेंडर करने के लिए हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ आतंक फैला के देश की सुरक्षा भंग करने नहीं आए, क्रांति का घेरा लगाकर शांति के फूल उगाने आए हैं। रावण को राम ने, कीचक को भीम ने, कांस को कृष्ण ने जैसे मारा था, वैसे इन उग्रवादियों को हम मारेंगे। न्याय के लिए हमने रणभूमि में कदम रखा है, उसे पीछे हटाने की आदत हमें नहीं है। जीतेंगे तो भारत माता को उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कर देंगे, हारेंगे तो इस दुनिया से हमें मुक्ति मिलेगी। इतना कुछ होने के बाद भी आप सरेंडर करने को कहते हैं, तो शमशान में अनाथ शव बन के जाने के बजाय यहीं पे मर के स्वर्ग सिधार जाएंगे। उनकी आरती उतार के मैं उनका स्वागत करूं, उन्हें मार के उनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिलाने के बजाय अब ये बताने आए हो कि यशवंत ने भी उनसे हाथ मिला लिया और सब मिलके यहां आ रहे हैं? देखो, ये सूजा श्राद्ध कराने वाला पंडित है, ब्याह कराने वाला पुरोहित नहीं है। आई वॉन्ट देम डेड। देवा, जीने के लिए मरना जरूरी होता है, मरने के लिए जीना जरूरी नहीं। उन्हें मारकर उनकी अस्थियां लेकर आ, या फिर इसे खा के तू भी मर जा। हमें यहां पहुंचना है और वहां तक पहुंचने का रास्ता ये है, तो हमें, अगर हम यहां से जाएंगे तो एक वाटरफॉल आएगा, उसे पार करके जाना पड़ेगा। Go!
Drop the gun. Come on. Drop the gun. तुम यहां पे जरूर आओगे मैं जानता था, इसीलिए तो यहां जाल बिछा के बैठा हूं तुम्हें पकड़ने के लिए। इन सबको तुमने किस सबूत पर उग्रवादी कहकर अरेस्ट किया था? गायत्री वर्मा को देशद्रोही कहने का मतलब क्या है? अभिषेक वर्मा को किसने मारा? टेल मी द ट्रूथ। इनकी टॉर्चर की वजह से मर गया था वो। नो, अभिषेक जिंदा रहता तो राज खुल जाता, इसीलिए तुमने मार दिया। यू बास्टर्ड, यू बास्टर्ड, यू स्कॉउंडल। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि के साथ अन्याय करने वाले को जीने का कोई हक नहीं कहते हो ना? Kill that bastard! हर बात का हल मौत ही नहीं होती देवा, तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों को नफरत हो गई है। उस नफरत को मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। सच को कबूल करके अप्रोर बन जाओ, सजा कम होगी। इनके हवाले कर दूंगा तो जिंदगी नरक बन जाएगी, मेरे हाथों में रहोगे तो बदतर कर दूंगा। न मरने दूंगा न जीने दूंगा। कम ऑन टेल मी, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? बताओ। बताता हूं, बताता हूं। सानाड जिसने भेजा था खत्म करने को, जिसने कहा था, वो हाइदर सूजा है, क्योंकि उसके सारे केसेस गायत्री मैडम ही डील करती हैं। उसके गिरोह को खत्म करने में कामयाब हुई, इसलिए सुनिए सर, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। थैंक यू। अब तुम्हारी जरूरत ना मुझे है ना ही मेरी रिवॉल्वर को। यू कैन गो। यशवंत, शूट हिम, शूट हिम। गायत्री, देवा।
Come on. चौबीस घंटे के अंदर अंदर ये टनल खुल जाएगा और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ये कश्मीर हमारे कब्जे में होगा। वो देखो दुश्मनों का झंडा, शत्रुओं का झंडा, वो भी हमारे राज्य में। हमारी शक्ति, हमारा लक्ष्य और हमारी एकता को दिखाने का वक्त आ गया है। मेजर, चाहे जो भी आए हम अपनी जान पे खेल जाएंगे। मेजर, ये शरीर मिट्टी की अमानत है और ये जान आपकी। हैदर सुजा। है चूहे के बच्चों, सामने आओ। हिम्मत है तो बाहर निकलो। सबसे बोल दे कि गन नीचे फेंक दे। बोल दे। वाह भारत माता, स्वागत है। तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? सुनो बच्चों, इसकी बातों पर यकीन मत करना। ये तुम सबको और हमारे देश को नोच खाने के लिए आया हुआ गिद्ध है। इसने तुम सबको अपने परिवार से अलग करके अनाथ बना दिया है। कल तुम्हारी जान लेकर ये राक्षस तुम्हारी लाशों को भी अनाथ कर देगा, ताकि तुम्हारी मौत पर आंसू बहाने के लिए भी कोई न हो। पवित्र भारत माता को पतिता का नाम देकर हमारी जान से भी प्यारी इस मातृभूमि का सौदा करने के लिए तुम्हें मोहरा बना के चाल चल रहा है। हमें अपने देश को इन कुत्तों से बचाना होगा। जन्म देने वाली माँ से जन्मभूमि महान है। हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। बोलो हैदर सुजा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुना तुमने ये आवाज कैसे गूंज उठी? हैदर सुजा की ताकत जान गई हो ना। रामायण का नायक राम है, महाभारत का नायक
कृष्ण है और कश्मीर का नायक मैं हूं, हैदर सूजा। इन बच्चों के जरिए ही अपना लक्ष्य हासिल करूंगा, इस देश का मुकुट जो कश्मीर है उसे सर समेत काट के ले जाऊंगा। सूजो, पीछे मुड़कर देखो तुम कहां खड़े हो। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद तुम लोग कारगिल से एक छोटे से कंकर को भी नहीं ले जा सके, तो कश्मीर नाम के पर्वत को ले जाने के दिन में सपने देख रहे हो। वंदे मातरम। हिंदुस्तान के सीने पे धर्म रक्षक है हिमालया, हिंदुस्तान के दुश्मन का देख बख्शक है हिमालया। ये धरती ऋषि मुनियों की, ये धरती है देवियों की, यहाँ हवा में बहता मंत्र है, यहाँ हर कोई स्वतंत्र है, धन धन यहाँ बारूद है, बस मौत है ताबूत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Hey, come on, fast! Hey! सूजा अपनी जंग की शुरुआत करता है, उड़ा दो उस मंदिर को। नो, गोडाउन से वेपन्स लेकर आओ। सलीम, सलीम, क्या हो? सलीम, 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 नहीं, सलीम,
आगे नहीं आना। कोई आगे नहीं बढ़ना वरना इसे गोली से उड़ा दूंगा। ये मत समझना कि मैं हार गया हूं, मैं वापस आऊंगा। मैं इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दूंगा। ये हैदर सूजा का वादा है। सूजा, हम दर बदर की ठोकर खा रहे थे तो तुम हमें यहां ले आए और कहा कि हमें राम, गांधी, भगत सिंह और झांसी की रानी बनाओगे। क्यों, यही कहा था ना तुमने? भूखे प्यासे थे तो हमें खाना दिया, भरोसा दिलाया कि तुम ही भगवान हो। हमारे हाथों में हथियार देकर आतंक नाम के पाप के कुएं में ढकेल दिया। आज के बाद कोई भी बच्चा हाथ में हथियार नहीं उठाएगा। इस आतंक नाम के भूत का आज मैं अंत कर दूंगा। नहीं, 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 नही